हेलो, हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मैं राजेन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास नंबर 2 में होंगे। अभी फिलहाल कुछ वीडियोस में लेकर के आऊँगा सिर्फ सीआई के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे वेराइटीज़ क्रिएट होते हैं, और वो भी सबसे बेसिक स्क्रैच लेवल के, ठीक है? तो उसी कड़ी में आज हम लोग करेंगे क्या कि अभी तक आपने पहला वीडियो जो देखा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू आउट द ईयर सेम होता है। दैट मींस अगर किसी क्वेश्चन ने ये कह दिया कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 साल के बाद का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इसका क्या मतलब हुआ मेरे भाई? इसका मतलब हुआ कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्मली सेम है। 10% फर्स्ट ईयर में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एंड थर्ड ईयर का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है। आज हम लोग करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होगा फॉर ईच ईयर। जैसे मैं अगर ये कह दूं कि एक मैंने प्रिंसिपल आपको दे दिया, आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, बट फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे? ठीक है, आइए बढ़ते हैं एक क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आज के कड़ी में क्लास नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट ऑफ सीआई फॉर द फर्स्ट ईयर इज 10% एंड दैट ऑफ सेकेंड ईयर ऑनवर्ड इज 15%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 10% है और सेकेंड ईयर के बाद कभी तक भी आप अगर उस प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। अ सम यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 1060 रुपीज एट द एंड ऑफ 2 ईयर। दैट मीन्स टाइम दी हुई है 2 साल, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 1060। देन फाइंड द सम, आपको सम पता करना है। आर ये बात समझ में? इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यूनिफॉर्म सेम ना हो थ्रू आउट द ईयर, यहां 2 साल का माजरा है और 2 साल अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यूज करना है। फिर मैं वही कहानी पे जाऊंगा कि आप इसको किस तरीके से डील करेंगे ये आपके ऊपर है। सक्सेशन के मदद से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सक्सेशन का खुद 2 मेथड है, एक तो परसेंटेज मेथड, एक रेशियो मेथड। और मैंने आपको सीआई जब स्टार्ट किया पहला वीडियो में एक नया मेथड दिखाया जिसको मैंने नाम दिया, नाम इसलिए दिया जाना जरूरी होता है कि मैं आपको उसको इंडिकेट कर सकूं, और इस पर्पस के लिए मैंने एक नाम दिया कि वो एक्सप्लेनेटरी मेथड है। आप इसे कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है। मैं एक मेथड, एक्सप्लेनेटरी मेथड इस टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रेफर करता हूं। 10% को हम फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हैं और 15% को हम फ्रैक्शन में 3/20 लिख सकते हैं। एज्यूम करो कि 2 साल चूंकि हमें लेकर के चलना है, तो एज्यूम करो कि अगर थ्रू आउट 10% ही होता तो हम प्रिंसिपल को कुछ एज्यूम करते और कुछ क्या क्या एज्यूम करते कि 10 जो डिनोमिनेटर में है वो 2 टाइम रिड्यूस हो जाए, यानी कि 10 फॉर द फर्स्ट ईयर इंटू 10 फॉर द सेकेंड ईयर, यानी कि 100 प्रिंसिपल को एज्यूम करते। अब मान के चलो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर थ्रू आउट द 2 ईयर 3/20 यानी कि 15% होता तो हम प्रिंसिपल को क्या एज्यूम करते 2 साल के लिए? 20 दो बार कट जाना चाहिए, यानी कि 20 फॉर द फर्स्ट ईयर इंटू 20 फॉर द सेकेंड ईयर, यानी कि 400। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी 2 साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10 एक बार कटना चाहिए फॉर द फर्स्ट ईयर, 20 और एक बार कटना चाहिए फॉर द सेकेंड ईयर, यानी कि 10 × 20 200 प्रिंसिपल को एज्यूम करना चाहिए। बस इतना ही आपको मुझे बताना था, या आप यूं कह लो समझाना था, और कुछ भी नहीं है। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या इंटरेस्ट मिलेगा भाई? इस 200 का 10%, दैट मींस 1/10, दैट मींस कितना? 20 यूनिट। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इस 200 पे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 15%, यानी कि मिलेगा 3/20। तो 3/20 ऑफ 200, 200 इनटू 3/20, 20 इसको काटेगा 10 टाइम्स में, 10 इनटू 3 दैट इज 30 प्लस, और क्या मिलेगा?
क्योंकि सेकेंड ईयर में हम लोग, यानी कि इससे पहले वाले ईयर में कुछ इंटरेस्ट मिला है, उस इंटरेस्ट का भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस इंटरेस्ट का सेकेंड ईयर में चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, यानी कि इस वाले प्रीवियस इंटरेस्ट का भी 15%, यानी कि 3/20, दैट मीन्स कितना भाई, 3 यूनिट मिलेगा। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो पाएंगे CI कितना, 30 + 20 + 3, दैट इज 53 यूनिट आपका CI है, जबकि आपने एज्यूम कर रखा है प्रिंसिपल को 200 यूनिट, और यही 53 यूनिट प्यारे दी हुई है 1060। तो दैट मीन्स 53 यूनिट इज इक्वल टू योर 1060 रुपीज। आपको निकालना है प्रिंसिपल, दैट मीन्स 200 यूनिट कितना होगा, 200 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट 1060/53, 200 यूनिट के लिए इंटू 200, 53, 106 को काट रहा है 2 टाइम्स में, 10 है, आप चाहे यहां लिख दें, यानी कि 2 × 2 = 4, और 30 चिपकाना है, 4000 रुपीज रहा होगा प्रिंसिपल, जिसका कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला साल का 10%, दूसरा साल का 15%, तो 2 साल के बाद आपको कुल जो इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 1060 रुपये की होगी। आते हैं एक और इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है, चलिए देखो आज के क्लास का सेकेंड क्वेश्चन उसी चीज को बताने के लिए है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अलग अलग हो। फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 33 1/3%, और थर्ड ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 20%। अ सम यील्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ 1600, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 1600 रुपया आती है एट द एंड ऑफ 3 ईयर, टाइम दी हुई है 3 साल। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, जैसे अगर मैं सक्सेशन के मेथड से सॉल्व करना चाहूं इसको तो कर सकता हूं, ये बस मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैं दोनों मेथड से कर रहा हूं। अब अगर सक्सेशन के मेथड को यूज करेंगे मेरे भाई, तो चूंकि सक्सेशन में 2 मेथड है, परसेंटेज मेथड प्रेफरेबल नहीं है, 2 वजह से नहीं है। पहला वजह तो कि इसमें 3 बार चलना है, और सक्सेशन का जो परसेंटेज वाला मेथड है वो 2 बार के लिए अच्छा काम करता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है, यानी कि इस वजह से भी हम उसे प्रेफर नहीं करेंगे। तो सक्सेशन मेथड यूज अगर करेंगे तो हम रेशियो वाला मेथड को लेके चलेंगे। 12.5% का मतलब होता है 1/8, 33 1/3% का मतलब होता है 1/3, और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि एक सम अगर 8 होता है तो पहला साल के एंड में वो बन जाएगा 1 + 9, नेक्स्ट ईयर वो बन जाएगा 3 के बदले 1 बढ़ जाएगा तो बन जाएगा 4, और थर्ड ईयर में 5 के बदले 1 बढ़ करके बन जाएगा 6। तो अगर हम इसे रिड्यूस करना चाहें तो देखो 3 3 9 4 1 4 2 8 2 1 2 3 6, तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट आ रहा है 5, राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट आ रहा है 3 3 9, दैट मीन्स फाइनली 5 यूनिट अगर हम डिपॉजिट करें तो 3 साल के बाद 9 यूनिट विड्रॉ कर पाएंगे एज एन अमाउंट, यानी कि जो 4 यूनिट का डिफरेंस है यही CI है, और यही 4 यूनिट आपको दिया हुआ है कितना, 1600 रुपीज़, यानी कि 4 यूनिट जो है वो 1600 रुपये के बराबर है। आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है भाई, 5 यूनिट, तो आपको निकालना है 5 यूनिट क्या है। तो 4 यूनिट अगर 1600, तो गौर करो 4 गुना किए हो आप और 2 जीरो को चिपकाए हो, तो 4 गुना करोगे तो ये बनेगा 20 और 2 जीरो चिपकाना, या आप यूं कह लो 1600 × 4 × 5 ले दे के आपका प्रिंसिपल जो था वो 2000 था। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेटरी मेथड से करना चाहूं, पहला साल 8 से रिड्यूस होना चाहिए, अगला साल 3 से, और थर्ड ईयर में 5 से, यानी कि जो प्रिंसिपल हम एज्यूम करेंगे ना वो कुछ इस तरह से एज्यूम करेंगे कि 8 × 3 × 5, 5 × 8 = 40, और 3 × 4 = 12, 120 यूनिट हम
प्रिंसिपल को एज्यूम करेंगे। फर्स्ट ईयर के एंड में देखो, फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% यानी कि 1/8, तो 1/8 यानी कि 15/8 = 120, क्लियर। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 1/3 मिलेगा, पहले तो प्रिंसिपल का 1/3 मिलेगा यानी कि कितना 40, फिर जो प्रीवियस इंटरेस्ट है उसका भी तो इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि 15 का भी 1/3 मिलेगा, दैट मीन्स कितना 5 यूनिट। थर्ड ईयर के एंड में 1/5 मिलने लगेगा, 1/5 120 का, तो 120 का 1/5 यानी कि 24 प्लस इस वाले का 1/5, इस वाले का 1/5 और इस वाले का 1/5, क्योंकि थर्ड ईयर में यही 3 प्रीवियस इंटरेस्ट है, तो इसका 1/5 मतलब 3, इसका 1/5 मतलब 8 और इसका 1/5 मतलब 1, तो कुल मिला के कितना इंटरेस्ट हो गया देखो, 15 और 5 = 20 और 40 = 60, ठीक है, 24 और 3 = 27 और 8 = 35 और 1 = 36 और 60 यानी कि 96 यूनिट का CI है, और ये 96 यूनिट आपको दी हुई है डेटा में 1600 रुपीस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपको निकालना है प्रिंसिपल यानी कि 120 यूनिट कितना, तो अगर 96 यूनिट 1600 रुपीस के बराबर है तो 120 यूनिट कितने के बराबर होगा मेरे भाई, 1600 × 96 × 120, 16 × 6 = 96, 6 × 2 = 12, तो 2 और 1 2 3 0 चिपकाना है। ये था आपका प्रिंसिपल जो इस मेथड से भी आया है, क्लियर। अब बढ़ते हैं कि आपने सिंपल इंटरेस्ट में भी एक क्वेश्चन देखा होगा कि एक टर्मिनोलॉजी यूज करता है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, तो ये प्रेजेंट वर्थ को सिंपल इंटरेस्ट में भी मैंने बताया था कि कुछ नहीं है, आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसे सवाल आते हैं, ऐसा दो सवाल रखते हैं और आगे काम को सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखो आज के क्लास का थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन है द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹12,615 ड्यू इन 2 ईयर, यानी कि आपको निकालना है प्रिंसिपल जबकि अमाउंट गिवन है 12615 रुपीज, 12,615 ड्यू इन 2 ईयर, ये इतना बना है कितने साल में भाई, 2 साल में, एट 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो टाइम है 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, यानी कि सक्सेशन वाले दोनों मेथड का हम यूज कर सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी मेथड में ना जाएं तो। अब सक्सेशन के दोनों मेथड का यूज तो कर सकते हैं, बट फर्स्ट वाला जो मेथड है दैट मींस परसेंटेज मेथड, वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज इजीली जनरेट करके देगा और हमें अमाउंट तक पहुंचने के लिए उस परसेंटेज में 100 और ऐड करना पड़ेगा। सपोज करो इसको हम सक्सेशन के परसेंटेज वाले मेथड से करते हैं और रिजल्ट आता है 34%, सपोज करो, यानी कि मुझे तो अमाउंट गिवन है तो 34% का अगर इंटरेस्ट है दैट मींस ये कितना है 134% अगर ये गिवन डेटा है तो 100% कितना होगा। तो इसमें हम लोग क्या होगा कि हम कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, तो ये छोटा छोटा रीजन है, ये आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए कि भाई हम इस मेथड को यूज क्यों नहीं करेंगे। तो आइए, सक्सेशन का 2 साल होने के बावजूद भी हम रेशियो मेथड को प्रीफर करें अगर, तो 16% का मतलब होता है 4/25, यानी कि हर साल 25 ₹4 ऐड होके बन जाएगा 29, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी 25 क्रिएट करेगा, 25 × 25 = 625 बना करके देगा 841, ये भी यूनिट में है और ये भी यूनिट में है, डिफरेंस से हमें अभी निकालने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें अमाउंट गिवन है और ये जो अमाउंट है 841 यूनिट यही है 12615 रुपीस, हमें प्रिंसिपल निकालना है यानी कि 625 यूनिट निकालना है, तो अगर 841 यूनिट 12615 है तो 1 यूनिट 12615 / 841, 625 यूनिट निकालना है तो × 625, यही जो कैलकुलेट होकर आएगा यही प्रिंसिपल है, तो 12615 को अगर हम डिवाइड करेंगे 841 से
तो वन टाइम में 841, 0, 2, 4 और 5. अगर 5 टाइम्स करें तो 5 चले 20 और 42, यानी कि 841 इसको रिड्यूस करेगा 15 टाइम्स में, 15, 5, 75, 5, 7, 15, 2, 30 और 7, 37, 3, 15, 6, 90 और 3, यानी कि 9375 रुपीस आपका प्रिंसिपल था, या आप यूं कह लो प्रेजेंट वोर था, जो कि 2 साल 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट करने के बाद अमाउंट बन पड़ेगा 12615 रुपीस. एम आई क्लियर? अब थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि मैंने परसेंटेज वाला सक्सेशन का मेथड को प्रेफर क्यों नहीं करने का सजेशन दिया आपको. आप जानते हैं कि जो सीआई जनरेट होगा वो 2 साल के वजह से 16+16 +16 इंटू 16 बाई 100, यानी कि 16+16 32 और ये 2.56, यानी कि 34.56% का तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट होगा. हमें तो अमाउंट से मतलब है, तो अमाउंट का परसेंटेज क्या होगा? प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का दोनों मिला करके. प्रिंसिपल का होता है 100% और कंपाउंड इंटरेस्ट 34.56, यानी कि 134.56% का होगा अमाउंट. और 134.56% दी हुई है 12615 रुपीस. आपको निकालना है प्रिंसिपल, दैट मीन्स 100%. तो ये जो कैलकुलेशन का एक थोड़ा सा डिफिकल्ट रूप आपके सामने आ रहा है ना, इसी से बचने के लिए मैंने कहा था कि इस वाले मेथड को प्रेफर नहीं करना, क्योंकि ये सब चीज़ प्री डिटरमाइंड होना चाहिए. आप अगर सक्सेशन का रेशियो मेथड यूज़ करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ता है, जबकि अमाउंट पहले से निकल चुका होता है. और परसेंटेज वाले मेथड में यूज़ करने से क्या होगा कि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज या कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट आ जाता है, आपको अमाउंट ऐड करके निकालना पड़ता है. तो आपको टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मेरा टारगेट है भाई अमाउंट तक पहुंचना है. ये मुझे अमाउंट तक नहीं पहुंचाता, ये मुझे इंटरेस्ट तक पहुंचाता है, मुझे अमाउंट फिर निकालना पड़ता है. और यही रीजन है कि मैंने इसको प्रिफर किया, क्योंकि ये मुझे इंटरेस्ट तक नहीं बल्कि डायरेक्टली मुझे अमाउंट तक पहुंचा देता है. आसान होगा ना, क्लियर हो रहा है बात? और एक्सप्लेनेटरी मेथड तो खास आप यूज कर ही सकते हैं. एक ऐसा ही क्वेश्चन और आपके स्क्रीन के ऊपर सॉल्व करते हैं और आज के क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है? चलिए, आज के क्लास का फोर्थ क्वेश्चन. द प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपीज 264.5 रुपीज, प्रेजेंट वर्थ दैट मींस प्रिंसिपल क्या होगा जो बन पड़ा है अमाउंट में 264.5 रुपीज, ड्यू इन 2 ईयर, टाइम है 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई 15%. एक्सप्लेनेटरी मेथड से कर ही सकते हैं, सक्सेशन मेथड यूज करेंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? रेशियो वाला. चलो करते हैं. 15% का मतलब होता है प्यारे 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 100, यानी कि 20 हर साल 23 बना करके देगा, अगला साल भी 20 × 23 बना करके देगा, यानी कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर 400 यूनिट का प्रिंसिपल रहेगा, तो 529 यूनिट का अमाउंट बन पड़ेगा. और यही 529 यूनिट 264.5 रुपीज़ है, आपको 400 यूनिट निकालना है. तो क्या होगा 400 यूनिट? 264.5 बाई 529 इंटू 400, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो जाएगा. 9 × 5 = 45, 4 × 5 = 10, 4 = 14, 5 × 5 = 25, 1 = 26, हाँ 5 टाइम में कट रहा है, क्लियर? 5 × 2 = 10 और 2 इसको काटेगा अनडाउटेडली 200 रुपीस में. एम आई क्लियर? अच्छा चलो, जब खत्म कर रहे हैं तो इसको एक्सप्लेनेटरी मेथड से अगर आप करना चाहते हैं तो क्या करते? प्रिंसिपल को हम क्या एज्यूम करते हैं भाई? 20 दो साल के लिए, यानी कि 20 × 20 = 400 यूनिट, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 400 का 3/20 यानी कि 60, बोलो हाँ या ना? 400 का 3/20, 20 इसको काटेगा 20 टाइम्स में 20 × 3, सेकेंड ईयर में 60 तो मिलेगा ही, प्लस इस वाले इंटरेस्ट का भी 3/20 मिलेगा, यानी कि कितना? 9, 23 × 60, 3 × 3, तो कुल मिलाकर के भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 129. हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से मतलब नहीं है, हमें अमाउंट से मतलब है. अमाउंट कितना होगा? 400 रुपये का प्रिंसिपल और 129 यूनिट का इंटरेस्ट, यानी कि 529 यूनिट.
तो यही 529 यूनिट प्यारे दी हुई है 264.5 रुपीस। डेटा में आपको प्रिंसिपल निकालना है जिसको आप 400 यूनिट एज्यूम किए हैं। तो अगर 529 यूनिट 264.5 है तो 400 यूनिट कितना होगा, यही वाला कैलकुलेशन है। देखो आ गया बात समझ में। तो आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे और बेसिक बेसिक सवालों को ही करेंगे, ठीक है। अभी दो चार वीडियो ऐसे ही चलेगा, बहुत ही फॉर्मेटिव, जो इनिशियली आपको ज़रूरत है फाउंडेशन को क्लियर, मजबूत और पकड़ को स्ट्रांग बनाने के लिए, वही करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर। बट हाँ, एक रिक्वेस्ट, मैं जो वीडियो के बाद या तो कभी करता हूँ या तो कभी भूल जाता हूँ, बट आप ना भूलना, ये एक्सपेक्टेड ही नहीं है। वीडियो को सपोर्ट का आपका बहुत ज़रूरत है, आप इसे जितना हो सके अपने दोस्तों यारों के बीच शेयर करो। लिंक को, चैनल के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। आप जिस मींस से चाहें आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर।